स्वागत है आपका भारत वॉइस में। अगले 5 मिनट तक इस पूरे एपिसोड को जब आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन राज्यों में कब चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय चैनलों पर छाई हुई है उसकी असलियत क्या है और क्या सत्ता में वापसी के जो सपने देख रही है भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में और खासकर पश्चिम बंगाल पर उसकी पूरी निगाह है, तो क्या ये संभव हो सकता है। लेकिन उसके पहले इन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, 824 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं, तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा राज्य है और पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। जल्दी जल्दी में आपको बता देते हैं कि किन राज्यों में कब चुनाव होने वाले हैं। तो असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, 27 मार्च को पहला चुनाव होगा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं और वोटों की जो गिनती होगी वो 2 मई को होनी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल पर भाजपा ने पूरी ताकत लगाई हुई है, टीएमसी की वहाँ पर सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। भाजपा ने भी चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि वहाँ पर 8 चरणों में चुनाव कराए जाएँ। तो 8 चरणों में चुनाव होंगे, पहला चुनाव 27 मार्च से शुरू होगा और उसके बाद 29 अप्रैल तक ये चुनाव चलेंगे। तो 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव, असम में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे और बाकी जो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है उसमें एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव करा लिए जाएंगे। 2 मई को विधानसभा चुनाव जो होंगे इन सभी राज्यों के, यानी 824 विधानसभा सीटों के जो चुनाव होंगे उसकी मतगणना, उसके वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। इन राज्यों के एक राजनीतिक समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले असम को देख लेते हैं जहां पर विधानसभा की 126 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 60 सीट है, असम गण परिषद के पास 14 सीटें, कांग्रेस के पास 26 सीटें, बदरुद्दीन अजमल की जो AIUDF है उसके पास 13 विधानसभा की सीटें हैं, असम गण परिषद के पास 14 और BOPF के पास 12 सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीटें हैं, AIADMK जो जयललिता अब इस दुनिया में नहीं रही उनकी पार्टी 135 सीटें उसने हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। DMK के पास 88 सीटें हैं, कांग्रेस के पास वहां पर 8 सीटें हैं। केरल में कुल विधानसभा की 140 सीटें हैं, यहां पर 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास बस। उसके बाद LDF जो लेफ्ट फ्रंट है उसके पास 84 सीटें हैं और UDF जो कांग्रेस के साथ का गठबंधन है उसमें मुस्लिम लीग और ऐसी कुछ पार्टियां हैं उसके पास यहां पर 47 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास 211 सीटें हैं विधानसभा की, लेफ्ट के पास 32 सीटें, कांग्रेस 44 और भारतीय जनता पार्टी के पास बस 3 सीटें हैं। तो जिसके पास विधानसभा की 3 सीटें हैं वो उसको चुनौती दे रहा है जिसके पास विधानसभा की 211 सीटें हैं। बड़ा फेरबदल चुनाव में होना कोई बड़ी बात नहीं है, 200 का आंकड़ा अगर घटकर किसी के पास 50 आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव और राजनीति में यह सब संभव होता है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में होना ऐसा कुछ संभव है? ये बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो पकड़ है वो इतनी मजबूत इस वक्त बताई जा रही है, हमारे जो रिपोर्टर्स या बहुत सारे विश्लेषक हैं, बहुत सारे लोग जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव का विश्लेषण करने के लिए पहुंचे हैं और जो जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो लोग जो बड़े बड़े राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वर्चस्व है और ममता बनर्जी की जो जड़ें हैं वो हिल रही हैं, ममता बनर्जी की जो बुनियाद है वो हिल रही है, इस तरह की बातें वो रिपोर्टिंग के दौरान तो कर ही रहे हैं लेकिन जब ऑफलाइन उनसे बात करिएगा तो वो ज़रूर ये बात कहेंगे कि अभी भी ममता बनर्जी की जो पकड़ है वो कमज़ोर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय चैनल, जो देश भर के न्यूज़ एंकर्स ये बताते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंच रही है और जो तस्वीरों में हम देखते हैं बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, JP नड्डा रैली कर रहे हैं तो भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, अमित शाह अगर पहुंचते हैं तो भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है,
वो सब चीज़ तो है, लेकिन उन तस्वीरों को भी देखें जहाँ पर ममता बनर्जी पहुँच रही हैं, वहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो बुनियादी तौर पर जो लोग हैं, वो ममता बनर्जी को अभी भी पसंद करते हैं। एक बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट वहां पर यह खड़ा हो गया है कि अभी तक उसके पास एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा लोकल चेहरा नहीं मिल पाया जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके कि ये मुख्यमंत्री होंगे हमारे। तो भारतीय जनता पार्टी बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिसका एक चेहरा है, जो मुख्यमंत्री हैं, 200 से ज्यादा उनके पास विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा ने, हमने देखा था कि पूरी कोशिश और पूरी ताकत लगा दी कि कोई ऐसा स्थानीय चेहरा मिल जाए। मिथुन चक्रवर्ती के साथ राष्ट्रीय स्वयंसंघ के आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि उनको मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने शायद इस बात से इनकार कर दिया। तो एक स्थानीय चेहरा नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के राष्ट्र जो राज्य के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही है। और भी कई ऐसे बाबुल सुप्रियो जैसे नेता हैं, और भी कई नेता हैं जिन लोगों पर शायद भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है कि उनका चेहरा अगर लाकर रख दिया जाए तो फिर उससे जनता का वोट, जनता की सिंपैथी जुड़ पाएगी। और यही वजह है कि भाजपा का कोई नेता वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जा सका है। खैर, भाजपा ये दलील देती है कि उसके बहुत सारे राज्य में ऐसे चुनाव हुए जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा उसने पहले से नहीं बताया है, चुनाव परिणाम आने के बाद उसने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया है, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन सच तो यही है कि पश्चिम बंगाल के भाजपा का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, वहां पर एक नेता दूसरे नेता को पसंद नहीं कर रहा है। बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब उन नेताओं को थोड़ी सी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, तो भाजपा के जो पुराने नेता है वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना टकराव है कि जिसकी मिसाल नहीं देखी जा सकती है। ये अलग बात है कि ताकत है, केंद्र में सरकार है, केंद्र की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इन सब चीज़ों का फायदा भाजपा को तो मिलेगा, लेकिन भाजपा सत्ता में वापस लौट कर आ जाएगी ये कहना बेहद मुश्किल है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, और 2 मई को यहाँ पर वोटों की गिनती होगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहला चरण 27 मार्च से शुरू होगा और 29 अप्रैल तक पहले चरण की वोटिंग होगी, और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। और पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर कुछ ज़्यादा सीटें लोकसभा की मिल गई थी भाजपा को, इसीलिए उसे भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में भी उसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए थे, कुछ भावनात्मक मुद्दे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी मजबूत है कि वहां पर उस किले में सेंध लगाना बेहद मुश्किल है भाजपा के लिए। केरल के चुनाव में भाजपा पहले ही सरेंडर कर चुकी है, उसे ऐसा पहले ही लग रहा है कि वहां पर तो वो आ ही नहीं सकती, वहां पर ज़्यादा सीटें भी वो नहीं जीत सकती है। और तमिलनाडु की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, वहां पर भी भाजपा के लिए कोई जगह नहीं है। असम में एक बार फिर से कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापस आ जाए, लेकिन वहां पर बदरुद्दीन अजमल की जो AIUDF है या कांग्रेस पार्टी है, उसने जिस तरह की रणनीति बनाई है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि भाजपा में असम एक बार फिर से वापस आ सकती है। तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेहद मुश्किल भरा सफर होगा, लेकिन देखना होगा चुनाव के समय में किस तरह के हालात बनते हैं, कौन कौन से भावनात्मक मुद्दे आते हैं, क्योंकि भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होना है, तो भाजपा नहीं चाहेगी कि यहां पर बहुत बुरा प्रदर्शन हो और उसका असर पूरे देश भर में पड़े। इस वक्त भाजपा से लोगों की इतनी ज्यादा नाराजगी है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, छात्र नाराज हैं, युवा नाराज हैं, युवाओं ने रोजगार दो की कैंपेन चला रखी है, व्यापारियों ने GST के बारे में भारत बंद किया है, इसके अलावा किसान दिल्ली की सरहदों पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखना यह भी होगा कि इन सब नाराजगी का भी असर इस विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद।